तो हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन है निरंजन हीरानंदानी साहब। सर वेलकम टू जी बिजनेस। कल मुंबई वोट करने वाली है सर, मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को यहाँ पर फोटो ऑप करते हैं जब वोट डालने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड है यहाँ पर, उसके बावजूद अगर मैं एवरेज बताऊं आपको तो पिछले चार बार की जो बीएमसी इलेक्शंस हुए उसमें 45% वेटेज है सर, व्हाई मुंबई नेवर कम्स आउट एंड वोट? मुझे लगता है कि काफी लोग इतने परेशान हैं कि हम वोट करते हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अब मैं समझता हूं लोगों को जानकारी ये हो गई है कि भाई जब तक वो वोट नहीं करेंगे तब तक लोग उनकी बात सुनने वाले नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस समय ज्यादातर ज्यादा लोग आएंगे वोट करने के लिए, ये अपेक्षा हम रखते हैं। दूसरी बात है कि इतने सालों में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा मुंबई का उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, इसलिए काफी लोग अभी ये सोचते हैं कि जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ या कांग्रेस के साथ, वो ये कहते हैं कि हम मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देंगे, मेट्रो आ जाएगा, कोस्टल रोड आ जाएगी, क्रॉस हार्बर ब्रिज रहेगा, पानी की सुविधा बैठेगी, 24/7 पानी हम देंगे। तो मेरे अंदाज से ये एक चैलेंजिंग इलेक्शन रहा है जहां हम उम्मीद, लोगों की उम्मीद बहुत ऊपर तक लेके आए। रिसेंटली आप देखेंगे मुख्यमंत्री भी, उन्होंने फुल पेज एडवर्टाइजमेंट ये दी कि हम जो परिवर्तन 65 साल में नहीं हुआ वो हम दूसरे 5 साल में हम कर दिखाएंगे मुंबई में। तो मेरे अंदाज से एक फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं रही वो होगा। हीरानंदानी साहब, आप बहुत जाना माना नाम है और मुंबई को ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो अगले 5 साल में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट पीपल गेट बेटर रोड्स, पीपल गेट बेटर हाउसिंग इन मुंबई? What is the real possibility, sir? तीन बात है। पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगी, लेकिन रियल पॉसिबिलिटी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरी बात है कि पहली बार मेट्रो जो बॉम्बे में आएंगे, 160 किलोमीटर की रोड का कमिटमेंट मुख्यमंत्री ने कहा है और उसकी इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री ने अभी रखा है, तो मैं समझता हूँ ये तो जरूर स्टार्ट हो जाएगी, पूरा कभी होगा वो तो देखना है। दूसरी बात है कि कोस्टल रोड की जो अनाउंसमेंट की थी वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो कोस्टल रोड का भी काम शुरुआत हो जाएगा। तीसरी बात है कि क्रॉस हार्बर ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट और उनकी जो फाइनेंसिंग है जापानीज गवर्नमेंट की आश्वासन हमको दे दी है, तो मैं समझता हूँ वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन पर हो जाएगा। तो ये तीन चार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो आश्वासन प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री ने दिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। शिवसेना भी ये डेवलपमेंट के पद पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो मेरे अंदाज से ये कॉम्बिनेशन जो रहा है शिवसेना और बीजेपी की, दोनों ये डेवलपमेंट के पद के ऊपर कमिटमेंट किया है, तो मेरे अंदाज से एक फ्यूचर में हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरुआत हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और कल मुंबई निकलकर वोट करेगा हीरानंदानी साहब, आप कोई अपील करना चाहेंगे? बिकॉज वी रियली वॉन्ट मुंबईकर्स टू कम आउट एंड वोट। मैं हाथ जोड़ के सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुंबई कर को और स्पेशली जो मकानों में रहते हैं और ये छुट्टियां पर बाहर चले जाते हैं वो प्लीज आप वोट करिए। बिल्कुल, मेरे अंदाज से आपको जो पॉलिटिशियंस हैं ज्यादा ज्यादा कमिटमेंट देंगे, आप उम्मीद वोट करने को जाएंगे तो वो बिलीव करेंगे कि आपका वोट महत्व के है, लेकिन आप वोट नहीं करेंगे तो कॉर्पोरेटर्स और पॉलिटिशियंस ये समझेंगे कि हमको इनके ऊपर कोई भरोसा रखना नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हीरानंदानी साहब आपका, वोट करिए प्लीज जी। और महेश मूर्ति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबने बहुत रिक्वेस्ट कर ली है आपसे यहाँ पर, और अपील्स भी बहुत सारी हो गई है, कैंपेन्स भी बहुत सारे हैं, सो प्लीज मुंबईकर्स कम आउट टुमारो एंड वोट फॉर योर सिटी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।